नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। गुरुवार को विदाई के बाद दुल्हन जब हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची तो लोग देखते रह गए। इस शादी को इलाके की अब तक की सबसे महंगी शादी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि शादी के कार्ड पर भी लाखों रुपयों का खर्च आया। इसके अलावा लाखों रुपए सजावट में भी लगे। बता दें कि बीजापुर के रहने वाले सुरेश चंद्रकार की शादी जगदलपुर निवासी रेणुका साहू से 23 दिसंबर को हुई थी। गुरुवार को लग्न की रस्मों में शामिल होने के लिए रेणुका अपने मायके जगदलपुर से चौपड़ से सवार होकर बीजापुर पहुंची थी। इस मौके पर हेलीपैड पर देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन के कारोबार करने वाले सुरेश ने अपनी दुल्हन से वादा किया था कि वह उन्हें जगदलपुर से हेलीकॉप्टर से लेकर बीजापुर अपने घर आएंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इसके लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए प्रशासन से इजाजत ली थी। इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। इस अनोखी शादी में करोड़ों रुपए खर्च होने की चर्चा है। दूल्हा दुल्हन ने अपनी शादी को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कई बड़े अखबारों ने शादी को तवज्जो दी है। आज बीजापुर के मिनी स्टेडियम में रिसेप्शन है जिसमें कई VIP लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।